नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। अराइज न्यूज चला गांव की ओर कार्यक्रम की इस खास श्रृंखला में हमारी टीम गांव-गांव जाकर विकास कार्यों की पड़ताल कर रही है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची यूपी के देवरिया जिले के बनकटा प्रखंड की रामपुर पंचायत, जहाँ से अमरेंद्र शर्मा वर्तमान प्रधान है। अमरेंद्र शर्मा कहते हैं कि उन्होंने अपनी पंचायत में विकास के अनेकों काम करवाए हैं और अपने बाकी बचे कार्यकाल में भी वो विकास की गति को यूं ही बरकरार रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, राय न्यूज में स्वागत है आपके। आज देवरिया जिला यहां पे बनकाटा प्रखंड पंचायत रामपुर में प्रधान के पास पहुंचे हुए हैं। इन्होंने मेरे सामने उपस्थित हैं किस तरह से अपने पंचायत में इन्होंने विकास करने का काम किए हैं। सबसे पहले इनसे परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले राय न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पंचायत में किस तरह से विकास देने का काम किए हैं? जैसे मैं अपने ग्राम पंचायत में जो भी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो भी योजनाओं के तहत जाएगी मिला है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है, तो 16 इस वर्ष जाएगी 2022-23 में 16 आवास जाएगी लोगों को दिए हुए हैं। इसके पहले जो है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है कि जैसे शौचालय का यदि था 39 जो है कि शौचालय एक कह रहा है, इंटरलॉकिंग रोड का काम करवा रहे हैं, सीसी रोड का काम करवा रहे हैं, नाले का काम करवा रहे हैं। अभी जैसे जुलाई में जो है कि वृक्षारोपण के लिए जो है कि नर्सरी से जो है कि पौधा मिला, तो जितने हमारे सरकारी भूमि है या रोड है उनमें जो है कि सब पौधे भी लगवाए। तो मतलब जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं और जो भी आदेश मिलता है या ये संभव होता है वो हम लोग अपने स्तर पर अपने गांव के लिए लोगों के लिए पूरी तरह से कर रहे हैं और अपने गांव के लोगों के प्रति जाएगी 24 आवर्स जाएगी हम उपस्थित हैं जाएगी। अभी आपके यहाँ यह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अपने पंचायत की लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने ग्राम वासियों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ में ही पूरा राष्ट्र जो है कि 15 अगस्त के अवसर पे काफ़ी उत्साहपूर्वक जो है कि 15 अगस्त मना रहा है। इसमें जो है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी की योगदान है और गाइडलाइन भी है। 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक झंडा रोहण जो है कि 3 दिन कंटिन्यू करना है। इसमें हर स्कूलों पे या पंचायत भवन पे जो शिलापट जो लग रहे हैं शहीदों के नाम से जो है उनपे दीपक भी जलाने हैं और साथ में 5 शपथ भी लेना है। तो ये सारी कार्यक्रम जो है कि चल रही है। लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, रामपुर के जनता से एराइज न्यूज में क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे हमारा न्याय पंचायत रामपुर है और ग्राम पंचायत बिशनपुरा है, तो न्याय पंचायत के साथ साथ ग्राम पंचायत को मैं अपना यही संदेश देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जिस हिसाब से पब्लिक को अवेयरनेस करना चाह रही है, जागरूक करना चाह रही है, पब्लिक उतना सीरियसली ले नहीं रही है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार ने इसलिए लॉन्च किया कि खेतों में लोग शौच को ना जाए, शौचालय हर घर को शौचालय इसीलिए दिया गया। लेकिन आज के भी डेट में शौचालय बनने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शौचालय को ना यूज कर करके खेतों में जाना पसंद ज़्यादा करते हैं, तो ये गलत चीज़ें हैं। ठीक है ना, इससे जो है कि प्रदूषण होती है, जो फसल बोया जाता है उसमें कीटाणु उत्पन्न होते हैं। तो गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइंस है गाइडलाइन के अनुसार जाएगी, अगर हर पब्लिक को हम लोग जैसे जब जब मीटिंग लेते हैं
मंथ में मीटिंग लेते हैं, तो मीटिंग में हम लोग हर तरीके से अपने हिसाब से समझाते हैं। आशाएं हैं, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं वो लोग भी साथ में होते हैं, सब लोग समझाते हैं अपने अपने हिसाब से। उसके बावजूद भी अपना ये पूर्वांचल इलाका इतना मतलब पिछड़ा हुआ है कि पब्लिक जिस हिसाब से हम लोग चाह रहे हैं जागरूक करना, जागरूक नहीं हो पा रही है। उसके लिए गवर्नमेंट से क्या मांग करना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग लेते हैं? गवर्नमेंट से तो हम लोग अभी मुख्य रूप से जो ऐसे सबसे ज्यादा मांग ये है कि जो मुख्य मुख्य जो गांव में आने के लिए जो रास्ते हैं, वो सारे रास्ते जो है कि मनरेगा के थ्रू और या जो है कि राज्य वित्त और 15वां वित्त से जो है कि जो बजट है उससे हो पाना संभव नहीं है। इसमें जो है कि जैसे हमारे माननीय एमपी साहब हैं या जिसे एमएलए हैं या जिसे मान लीजिए जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, इन लोगों की जब तक सहयोग नहीं होगा, ये बड़ी बड़ी जितने भी रास्ते हैं जैसे एक एक किलोमीटर का, दो दो किलोमीटर के जो रास्ते हैं उसका जो है कि पक्का निर्माण हो पाना संभव नहीं है, जो है कि सिर्फ ग्राम पंचायत की बजट से। तो इस वजह से हम लोगों गवर्नमेंट से यही मांग है कि मैक्सिमम जो है कि गाँव में जो सबसे पहले आने जाने का, जब किसी भी गाँव में व्यवस्था अच्छा रहता है तो कोई भी आदमी जब आता है तो कहता है कि हाँ भाई इस गांव का रोड एकदम पूरा ठीक ठाक है जाएगी। तो इस वजह से पहले प्राथमिकता हमारा है कि एक तो गांव का रोड सही हो, दूसरा नंबर कि गांव में इस पीरियड में बारिश पिछले साल भी कम हुआ, इस साल भी कम हुआ, और हमारे तरफ में जैसे गन्ना की खेती वगैरह सबसे ज़्यादा आदमी करते हैं तो इसमें सिंचाई में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, और जैसे बिहार में है सिंचाई में जो है कि सब्सिडी मिली हुई है लेकिन उत्तर प्रदेश में सिंचाई पर सब्सिडी नहीं मिला हुआ है। तो हम यही चाहेंगे कि अनदर राज्यों में जिस तरीके से किसानों को जो है कि बिजली पे सब्सिडी मिला हुआ है, वैसे उत्तर प्रदेश में भी जो है गवर्नमेंट जो है कि सब्सिडी देता है कि सिंचाई थोड़ा सस्ती दर पर हो सके।